हेलो एंड वेलकम टू भोकर जॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए आंवला के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बिल्कुल ही इंस्टेंट वाला। इस अचार को आप बनाने के लिए आपको बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि धूप में सुखाना है, फिर अचार बनाना है, पकने का इंतज़ार है। ये झटपट से बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सामग्री है वो सब इकट्ठे कर लेंगे। अचार के मसाले और आंवला, मिर्ची, नमक, हल्दी और सारे जो खड़े मसाले हैं वो सब एक बार एकत्रित कर लेंगे। और फिर ये सब जब एक बार एकत्रित हो जाए तो हम लोग एक पैन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे, और इस पानी में हम लोग डाल देंगे आंवला को। ये जो आंवला है इस समय जो हम लोग इसे बॉईल कर रहे हैं ना, तो इस समय हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा जो आंवला के अंदर नमक अच्छी तरह से चला जाए, और थोड़ा सा हल्दी। नमक और हल्दी डाल करके इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इसको जब हम बॉईल करेंगे ना, तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि इस ये जो सीड में से जुड़ा रहता है ना, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा खुल सा गया है, तब तक इसको बॉईल करेंगे। अब देखिए, इसको मैं छान ली हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है मसाला बना लेंगे। तो अब इसमें डाल रहे हैं सारे मसाले, सिर्फ अजवाइन और मंगरेला, जिसको कि ब्लैक क्यूमिन बोलते हैं, वो उसको हम लोग पीसेंगे नहीं, बाकी सारे मसाले को दरदरा पीस लेंगे। ब्लेंडर में बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। और अब देखिए, हमारा यहाँ पे जो आंवला है वो ठंडा हो गया है। तो इसको देखिए कितने आराम से, ये हाथों से आप ओपन करते जाइए, ये खुल जाएगा। बहुत ही इजी होता है खोलना इसको। इस तरह से करके आप अपने सारे आंवला को छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए, और साथ में ही जो ग्रीन चिली है वो रख लीजिए। ग्रीन चिली बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको देना है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लोग पैन में तेल लेंगे। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। अचार हमारे घर में हमेशा से सरसों के तेल में ही बनते आया है। जब तेल पूरा अच्छी तरह से धुआं फेंकना शुरू कर दे, तब इसमें हम लोग डालेंगे आंवला और साथ में जो मिर्ची है वो। इस समय हम लोग फ्लेम बंद कर देंगे, फिर डालेंगे नमक, हल्दी, अजवाइन और मंगरेला, बिल्कुल खड़ा था जिसको हमने पीसा नहीं था, रेड चिली पाउडर, और साथ में आम, ये जो अचार वाला मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला। इन सबों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाला भी मैं पूरा नहीं डाली हूँ, अगर मुझे लगा कि ये मैं थोड़ा सा और पड़ेगा तो इसमें फिर मैं डालूंगी। तो अभी मुझे लग रहा है मसाला थोड़ा सा और पड़ना चाहिए, तो सारे अचार के जो मसाले हैं मैं इस समय डाल चुकी हूँ। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब ये अपने गर्मी से ही, जो तेल काफ़ी गर्म हो चुके थे ना, उस गर्मी में ही ये पकते रहेंगे हमारे मसाले, और इसे ठंडा होने के लिए हम लोग बस अब छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर हम लोग इसको एक साफ़ सुथरे कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, और फ्रिज में हम लोग आराम से एक महीने तक भी इसको खा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसको बस आप अच्छी तरह से फ्रिज में ही रखिएगा, बाहर रखने से ये ख़राब हो सकता है। तो बस यूं ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। भोकर जॉइंट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।